आपको टेक्निक बता रहा हूं मैं, और मैं आशा करता हूं कि जो टेंस के बारे में बेसिक बातें हैं वो आपको पता होंगी, और परीक्षा के अंदर टेंस से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उसके ऊपर मैं आ रहा हूं। आपको लिखना है, आप लिखे जैसे मैंने आपको था प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को जब आप पढ़ते हो तो आपको ये शब्द याद रखना चाहिए, PURF, ये लिखा है मैंने PURF, परफ लिख दिया है मैंने। और इससे मेरा तात्पर्य यह है कि अगर किसी भी सेंटेंस में, देखना आप, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई प्रोवर्ब आ रही है, आप जानते हैं कि प्रोवर्ब का मतलब कहावत होता है, हिंदी में इसे कहावत अथवा लोकोक्ति कहते हैं। आप पी को बाहर निकालें, पी का मतलब प्रोवर्ब से है। अगर किसी भी सेंटेंस में प्रोवर्ब का भाव है, कहावत का भाव है, तो ऐसा वाक्य हमेशा अंग्रेजी के प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल का होगा। और आपको यह तो पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल का मतलब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या उसमें ऐसे यस जुड़ा हुआ होगा, या डू और डज के साथ में नॉट का प्रयोग हो सकता है। ये चीज मैंने आपको बता दी है। कई टेंसों के बारे में मैंने नहीं बताया, तो आपको उसी को पढ़ लेना। परीक्षा नजदीक आने के कारण मैं मुख्य बातें, जो साधारण बातें उनको छोड़ के मुख्य बातों पर आ गया हूं। सेंटेंस दिखा रहा हूं, एक बार लिखना आप। आपको एग्जाम में प्रश्न आ गया एन एम्प्टी वेसल। देखो सेंटेंस लिखो आप, ये परीक्षा में प्रश्न आ गया आपको, एन एम्प्टी वेसल में दे दिया आपको मैक, और आगे दे दिया मोर नॉइज। बात को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा कि ये खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाता है, हिंदी में कहते हैं कि तोता चना और बाजे घना। हिंदी में हम कहते हैं तोता चना और बाजे घना, अंग्रेजी में कहते हैं कि एक जो खाली बर्तन होता है वो अधिक शोर मचाता है।